आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जीरा मामले के वृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार उनका ये कहना था कि इस मामले में वृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच वृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। 25 मई 2020 को एक आवेदन जगदलपुर एसपी को दिया था जिसमें हम लोगों ने मांग की थी कि झीरम के षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए और उसकी जांच की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो एनआईए द्वारा उसमें बार बार स्टे के लिए लगाया गया। आज उस स्टे को खारिज कर दिया गया है, एनआईए की अपील को खारिज कर दिया गया है। अब राज्य सरकार की एसआईटी के द्वारा इसकी जांच हो पाएगी। अब कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आस जागी है कि जो ये घटना थी जिसमें हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि षड्यंत्र के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें जो दोषी हैं जो जिनकी इसमें सहभागिता है उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए।